हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आज बहुत अच्छे हैं, सच में बिल्कुल मस्त है। अपने लाइफ में कभी हेलो ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, कल हम गए थे सुरेंद्रनगर मार्केट। तो मम्मी का, इन लोगों का प्लान हुआ होगा कि लोग घूमने गए थे, दीदी, मम्मी और केसु वगैरह और चाची की लड़की। तो फिर बोल रहे थे कि कविता चले जाएगी साथ में सुरेंद्रनगर मार्केट, जो लाना है सामान अपना भी, मेरा भी, तो ले आएगी। ठीक है, तो मैं तो गई भी थी कभी भी सुरेंद्रनगर मार्केट, तो मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं था। ठीक है, तो मैं वही साफ बता दी, वाईफाई लगा हुआ है हमारे घर में, मैं रिचार्ज करवाती थी। तो मैंने इनका मैसेज आया था कि मम्मी वाला सिम अपने फ़ोन में डाल देना। मैंने कहा ठीक है, चलो मैं डाल दूँगी। ठीक है, तो डाल दिया। उसने क्या करा, चाचा के लड़के ने मेरे दोनों ही सिम निकाल दिए और दोनों सिम डाल दिए। चाचा की लड़की वाला सिम डाल दिया और मम्मी का डाल दिया। ठीक है, जिससे मेरा फ़ोन पर चलता था तो वो तो निकाल दिया। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो मेरे पास चेक करते हैं। ठीक है, बस में ही बैठ के, मैं यहाँ से बैठ गई थी बस में ही, जैसे मुझे फिर देखा लो फोन पर तो चल ही नहीं रहा, नंबर तो घर पे। मैं कहा ऐसे जाके तो कोई फ़ायदा भी नहीं, भाई बाद में कहीं वो हो जाए, कैसे वो करेंगे हम लोग, है ना। तो इस वजह से हम वहाँ तक गए हम लोग। वहाँ पे बताती हूँ आप लोगों को, तो हम लोग बहुत दूर चले गए थे। ठीक है, फिर ज्वालापुर, ज्वालापुर से आए थे। ज्वालापुर आता है मेरे मुंह पे, पता नहीं क्यों, हरिद्वार में है ना ज्वालापुर, तो वही आता है, जाफरपुर बोलते हैं ना, जाफरपुर चले गए थे हम। तब वहाँ से वापस आए थे। ठीक है, बस करके आए। फिर वहाँ चाचा लड़की को बोला कि सिम वगैरह लाने के लिए, तो सिम लाया था वो। और फिर हम लोग फिर गए बैठ के, यहाँ से पकड़े, फिर गए, फिर रिटर्न आए। ठीक है, इतना देख लो दिमाग खराब। मैं तो मेरा ना एक तो मैं घर से बाहर कभी निकलती नहीं हूँ, आदत पड़ जाती घर में रहने की है। मेरे तो ऐसा सर में दर्द, उल्टी सा, मन पूछो मतलब कि दिमाग ख़राब हो रहा था ना मेरा। एक तो ये फ़ोन पे नहीं चल रहा पा रहा, इरर। मैंने कहा दी को बोला, मैंने कहा दी ने बोला कि इसमें रिचार्ज मतलब नहीं है, रिचार्ज कर दो। तो दी ने क्या करा, एक बार 10 रुपये का करा। आजकल 10 रुपये का रिचार्ज कहाँ होता है, ठीक है, नहीं होता है ना। 10 रुपये का करा, फिर करा तो नहीं हुआ। मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा तुम रिचार्ज कर दो, मेरा फ़ोन पे वगैरह चल नहीं रहा है। तो दी ने ऐसा ऐसा करके 10 रुपये वाला रिचार्ज कर दिया है। तो मेरे हस्बैंड को बोला था, फिर ठीक है, हस्बैंड ने करा, मेरा 200 कुछ का आता है वो करा था रिचार्ज। तो हस्बैंड ने करा, तब मेरा दिमाग से थोड़ा सही हुआ कि हाँ भाई मेरा नेट वगैरह सब चल गया, नहीं तो कहीं जाओ और फ़ोन में रिचार्ज वगैरह ना, फ़ोन पे वगैरह कहाँ से चलाएंगे ना, तो टेंशन होती। तो फिर तब हुआ, तो दी बोल रही थी कि तुम्हारा ना माइनस में जा रहा था बैलेंस, इसलिए कट रहा है। तो आजकल तो वो रिचार्ज नहीं होते जो पहले वाले होते थे। तो फिर यहाँ से वहाँ हम लोग गए थे नजफगढ़ से, हमने मेट्रो पकड़ी थी, तो तीन मेट्रो पकड़ी थी। इतना तिहानी में साफ सती बात, पहली बार गई थी मैं। ठीक है, तो तीन मेट्रो पकड़ी थी। ठीक है, फिर मेट्रो, जहाँ मेट्रो स्टेशन होता है ना, तो वहीं पे ही उतरे थे हम लोग। और फिर जहाँ वो है सुरेंद्रनगर मार्केट, तो वहीं पे ही हम निकले थे। ठीक है, तो ज़्यादा दूर नहीं था सुरेंद्रनगर मार्केट मेट्रो से। फिर वहाँ मार्केट इतनी ज़्यादा रौनक है पूछो मत, मगर पुराने कपड़े भी बहुत ज़्यादा है वहाँ। पुराने कपड़े भी ना बहुत ज़्यादा, अभी गर्मी के कपड़े भी आए नहीं, अच्छे कपड़े नहीं आए। मैं केसु के स्कर्ट वगैरह लाई थी, अपने मेकअप का लाई थी, 500 रुपये का मेरा मेकअप का था, 500 रुपये का मेरा मेकअप का सामान, गुलाब जल था, लिपस्टिक थी मैट की, लाइनर, मस्कारा हो गया, ठीक है, और एक वो था स्क्रब लाई थी अपने लिए, और केसु की फ्रॉक वगैरह थी, तो मैंने आपको दिखाती थी फ्रॉक लाई थी। केसु का सामान केसु का भी आया, मेरा भी आया, हमारे ही जो ज़्यादा आ गया, दी का आया था 1100 की, ऐसी कुछ का था दी का सामान, इसने पैसे दिए थे। तो फिर इतने का खर्चा हो गया देख लो, और पैसे जितने रहे ना मार्केट में उतने कम होते हैं। तो यही था बस, चले गई। बट ये कि हालत भी ख़राब हो गई थी, मेट्रो से ज़्यादा दूर का सफ़र हो ना तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो हस्बैंड बोल रहे थे चले जाओ, यही हो। मैंने कहा आज के बाद नहीं जाऊँगी मैं कहीं, जाऊंगी तो तुम लोगों के साथ जाऊंगी, मैंने तो ये बोल दिया। और ठीक है, अभी पता नहीं क्या नाम करोल बाग की बोल रहे थे, करोल बाग जाने को बोल रहे थे हस्बैंड ना, मेरे को तुम लोगों के साथ जाऊंगी, अकेले नहीं जाती। और पुराने भी ज़्यादा थे, मूर्ख स्वभाव, अच्छा अच्छा भी बहुत ज़्यादा था,
ये होना कि पैसे जितने पड़े, 6,000 रुपये थे हमारे पास, 6,000 रुपये, 6,000 रुपये जीरो बैलेंस है, जीरो बैलेंस है। सोच लो 6,000 रुपये कहाँ उड़ गए, समझ में नहीं आया। तो ये छोटा मोटा लेके लो, 100 रुपये आने के, 100 रुपये जाने के, 200 रुपये हो गए, ठीक है। और क्या बोलते हैं, 350 रुपये हमारे खाने के हो गए, ठीक है। हमने चाउमीन और चिली पटेटो खाया था, और क्या होता है हॉट डॉग होता है ना, वो खाया था। मैंने तो नहीं खाया था, मैंने कहा अपनी बेटी के लिए मैं घर ले जा लूँगी, तो चाची की लड़के ने खा लिया था, तो मैंने कहा मैं केसु को ले आ लूँगी भाई, केसु भी खुश हो जाएगी, मम्मी मेरे लिए खुश लाइए, खाने का बच्चे होता है ना, तो माँ तो हर किसी का वो समझती है, अपने बच्चे के लिए तो ज़्यादा। और देखो पूरे दिन फिर अकेली रही हो बिना माँ के। मैं जब आई ना, पता क्या हो रही, मम्मी कहाँ गई थी, याद आ रही थी ना, रो रही थी, मैं ऐसे से बात कर रही थी, समझदार होगी मेरी बेटी, मेरी बहुत ज़्यादा समझदार होगी। तो भाई कभी कभी जाना ही पड़ जाता बच्चों को छोड़ के, तो बहुत बुरा लगता है। मेरा भी ना दिल नहीं मानता, मतलब सिर्फ बताऊँ तो इतनी दूर जाती ना, मैं खुद हार गई थी, तो अपने बच्चे को ले आती तो मैं खुद परेशान हो जाती है ना। खूबसूरत और एक साथ थे तब रैली थी, नहीं तो तांडा पड़ रही थी। तो इसकी दादी बोल रही थी, इसने तो हमारा जीना हराम कर दिया, आज के बाद ना रखूँ बल में से। हम कौन सा खुश थे भाई, हम भी परेशान थे वही। पहली इतनी गर्मी में जाओ मार्केट, इतना दूर का सफ़र हो के, 1.5 घंटे का, 1.5 घंटे का रास्ता है भाई, 1.5 घंटे आने, 1.5 घंटा जाने का है ना। और बस कान पकड़ ली आज की बात में, केसरी को छोड़ के। माँ होती है ना, माँ अपने बच्चे तो बहुत सी माँ भाग जाती है ना, मैं ये सोचती हूँ कि कैसे भाग जाती है हमसे, मुझसे तो अपने बच्चे को ना छोड़ा भी नहीं जाता, सिर्फ करें ध्यान ना घर में ही रहता है मेरे भगवान कसम, मैं देख लो ब्लॉग में भी कसम खाती तो ना ध्यान ना घर में ही रहता है केसू की वजह से, केसू क्या कर रही होगी, रो रही होगी, ये टेंशन रहती है, कहीं भी चले जाओ। तो बस यही था सामान मैं आपको दिखा दूँगी, केक लाई है और वीडियो दिखा दूँगी थोड़ी बहुत, क्लिप पे मैंने बनाई, ज़्यादा नहीं बनाई सांपों से दिवाली। और बॉस से तो मना भी कर दिया था कि मैं जैसे वीडियो बना रही थी ना भेजने के लिए दीप के पास, बोले वीडियो मत बनाओ फोटो खींचो, बॉस ऐसे भी होते थे। चलो कोई नहीं, आप लोग देखना श्रीनगर मार्केट, ठीक है, फिर बताना। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, यहाँ आ गए थे हम नजफगढ़ मेट्रो स्टेशन में, तो यहाँ देख लो ये मेट्रो स्टेशन है, तो यहाँ पे टिकट वगैरह काउंटर है, तो यहाँ पे ना खुद से ही अपना आप करना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो वीडियो भी बना लेते हैं और आप लोगों को दिखा लेते हैं जिसने नहीं देखा होगा। फ्रेंड मैं तो पहले भी आ रखी हूँ और ये मेरा दूसरी टाइम है मेट्रो में बैठ रही हूँ मैं, तो यहाँ पे लिफ्टिंग वगैरह अपना आप ही ऑटोमेटिक चलती रहती है। यहाँ हम मार्केट में पहुँच गए हैं, तो देखो कितने ज़्यादा क्रश था, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो ये शुरुआत ही है, तो अंदर अंदर देखना कितनी ज़्यादा है। मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई है फ्रेंड, क्योंकि ना एक तो इतनी हालत ख़राब थी, और फिर पता क्या इतनी धूप थी ना, तो मन ही नहीं कर रहा था। ये यहाँ पे रैप कर रहे थे, तो देख सकते हो यहाँ पे बॉस इन्हें पैसे दे रहे थे, तो यहाँ पे पर्स देखा था ये, तो फ़ोटो वगैरह खींच के भेजी थी, तो ये था जो मैंने क्लिप भी लगा रही हूँ फ्रेंड आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखो पर्स लिया था ये हमने केसू के लिए लिया था मैंने टैडी वाला। और यहाँ पे देखो बैंगल सेट कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं ना, और ये सौ के थे वो भी सौ के थे, तो आप लोग बताना सही है ना रेट। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे को ना लक्ष्मी वगैरह वाले बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो ये तो मैंने लिए नहीं, तो दी ने बोला था कि वो दिखाना। यहाँ पे कार्बो थी, तो वो कार्बो कितनी प्यारी है ना, 600 रुपये के बोला था। अब फिर हम आ गए हैं मेट्रो स्टेशन में, तो हमने कुछ ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, आप लोगों को पता होगा फ्रेंड। तो अगर किसी को ये मैं क्या क्या शॉपिंग करी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैं अपने लिए लाई थी मंगलसूत्र बोलते जिसे, और इसके इयररिंग भी थे साथ में, ये पड़ा मुझे 100 रुपये का, ठीक है, 100 रुपये का डब्बा आया था पूरा। तो दी के लिए भी अलग लाई हैं कलर, और वो ये चूड़ी लाई थी मैं 100 रुपये की, तो ये 12 चूड़ियाँ हैं, तो बहुत अच्छी लगती है, इसे आप चूड़ी सेट बना सकते हो अच्छे से, तो बहुत ही इतने प्यारे प्यारे सेट थे ना पूछो मत। ये मैं ब्लेसलेट लाई हूँ अपने लिए, तो यहाँ पे मैंने कभी ये लगाया नहीं है, बट मैंने ख़रीद ही लिया, मैंने कहा चलो ख़रीद लेते हैं, 50 रुपये का पड़ा। और ये गुलाब जल लाई थी एक 50 रुपये का ये भी, और जो मैं ब्लेसर बोल रहा था पहले वाला, तो बोल रहा था 100-150 रुपये का, मैंने कहा नहीं नहीं मुझे इतना नहीं चाहिए, तो उन्होंने बोला चलो ये ले लो। और ये भी 50 रुपये की रबड़ बैंड थी सारी की सारी, तो देख सकते हो फ्रेंड।
बहुत ज़्यादा है ये और अच्छी क्वालिटी की भी है। और ये है हमारा 50 रुपये का है मस्कारा, तो देख सकते हो मस्कारा भी लिया था मैंने और आईलाइनर भी ले लिया था, 50-50 के पड़े थे मुझे ये सारे के सारे। और आप लोग बताना मुझे रेट सही पड़ा है कि महंगा पड़ा है। और ये है फिक्सर, तो मेकअप फिक्सर है ये, सही मेकअप फिक्स के बाद लगाते हैं, जब मेकअप हम लोग कर लेते हैं उसके बाद लगाते हैं, ये सेट हो जाता है इससे मेकअप। भाई जितने पैसे लिया लो ना उतने कम होते हैं मार्केट में, तो भाई क्या कर सकते हैं, अपने देखना पड़ता है सारा के सारा कि ज़्यादा वो ना हो। और यहाँ पे देखो मैं केसों की स्कर्ट लाई थी ये वाली, तो देखना आप लोग कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना मुझे फ्रेंड, ठीक है। और 100 रुपये की थी ये भी। और ये लाई थी मैं एक अपने लिए कॉम्पैक्ट पाउडर, तो मेरा ख़त्म हो चुका था, तो देखते हैं इसे ट्राई करके कैसा है कैसा नहीं है। तो यहाँ पे देखो केसों ना रबड़ों से खेल रही थी सारे के सारे। स्क्रब लाई थी ये भी 50 रुपये का है, 20% एक्स्ट्रा है ये, तो देख सकते हैं एयरकोट स्क्रब है, हर्बल है, होम फेशियल है ये, तो ये घर में ही कर सकते हो आप लोग इजीली, तो इसमें किसी हेल्प की ज़रूरत भी नहीं होती, तो खुद से यह हो जाता है ये, तो देख सकते हो फ्रेंड। इसमें प्राइस 200 रुपये लिखा हुआ है, तो देख सकते हो 200 रुपये। और ये है हमारी मैट लिपस्टिक, ये भी है हमारी 50 रुपये की हुड लिक्विड मैट, तो ADS की है। तो भाई देखो सारे के सारा सस्ता माल ही है ये ब्रांड, और अच्छी कंपनी का ये। और जो हमें देते हैं ना तो भाई बहुत महंगा चार्ज लेते हैं, 200-250 से नीचे नहीं देते मार्केट में। स्क्रब लगा लो ना ये, तो जितना रेट लिखा हुआ है ना तो उतने का ही देंगे, कम का नहीं देते भाई, है कि नहीं है। तो बहुत अच्छा सामान है भाई।